आज प्यार के बारे में बात करते हैं, राइट। बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं प्यार में, राइट, झगड़ा होता है, ये सब होता है। आज देखते हैं अगर ये जो कुछ नौ चीज़ें हैं जो आज मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप मेंटेन करते हो, लव एकदम चकास हो जाएगा, बढ़िया सुकून अच्छा हो जाएगा। इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये देखो कि ये सब आप कर रहे हो कि नहीं, राइट। तो पहला आपको देखना है रिलेशनशिप में, आप जिधर भी हो, जहाँ पे भी हो, एक अच्छी तरह से इन्वायरमेंट रहे, राइट। झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, टेंशन नहीं, यू नो, कुछ भी बात करना है तो आराम से समझा के, ऐसे ही है ना, पूरा चढ़ के गुस्सा, यू नो, ये सब टेंशन में हर बार इसको कोशिश करिएगा। मैं जितना बार भी हम लोग साथ में हैं, मैं हमेशा प्यार से, आराम से, शांत से एक्सप्लेन करूँगी जो भी, उस तरह से आपको रहना चाहिए, नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक दूसरे को अलग स्वतंत्रता देना चाहिए, रस फ्रीडम, उसको जो करना है करने दीजिएगा, राइट। आप जाके उसमें दखल अंदाज करना, यू नो, एक उसको जो खुशी है वो करने देना, आपको जो खुशी है उसको, दोनों को जगह दे दो, राइट। बोलते ना, बहुत पकड़ के रखेंगे ना तो बीच में हवा नहीं जाएगा, तो सांस घुटन हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, बीच में हवा आएगा ना तो मस्त होगा। तो आप दोनों को एक दूसरे को एक जगह देना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा सा वो होने से रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, एनीवे रेस्पेक्ट कुछ भी हो, राइट, आप नीचा हैं, ऊपर है, जो भी आप प्यार करते हो, एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट, उनकी सोच समझ को रेस्पेक्ट करना, हर चीज़ उनकी पूछ के करना, है ना, ये रेस्पेक्ट देने से रिलेशनशिप और बढ़ता है। चौथा रीज़न, सिर्फ प्यार रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर भी हर जगह पे आपको वो महसूस होना चाहिए, वो फीलिंग होना चाहिए। जब ये है तो आपकी प्यार मतलब सिर्फ रूम के अंदर नहीं है, बाहर भी सब आपका प्यार है, उस तरह का रिलेशनशिप है, तो आपका रिलेशनशिप सही ढंग से जा रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। जब भी आप लोग साथ में नहीं हैं तो एक दूसरे के बारे में टेंशन लेना, ये क्या करती होगी, ये क्या करता होगा, यू नो, थोड़ा सा शक और ये सब एंग्जायटी टेंशन आता ना, तो भी रिलेशन बेकार है और ये ज़्यादा दिन तक रखेगा नहीं, राइट। एक दूसरे का फर्ज बनता है कि उसको क्लियर समझाना, कि एक तो कॉन्फिडेंट लेना जरूरी है कि ये ऐसी कुछ भी नहीं करेगी, वन, या ऐसा कुछ नहीं करेगा, या दूसरा, अगर सामने वाले को थोड़ा डाउट है तो आपका फर्ज है कि उसको कंप्लीट समझाना। जब भी हम लोग अपना लवर या हस्बैंड के साथ ज़्यादा, वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तभी उनको ये डाउट आता है। जब उसको लगेगा कि दुनिया में नंबर वन इसके लिए मैं हूँ, तो उसके बाद उसको कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये जो भरोसा देना आपके काम है, राइट, तभी ये रिलेशनशिप और अच्छा होगा, दैट्स वन। फिर हम लोग देखते हैं कि जो भी रिलेशनशिप होगा, जो भी टेंशन है, प्रॉब्लम है, आपके अंदर ही रखना है, राइट। जैसे जैसे झगड़ा हुआ तो बाजू वाले को, फ्रेंड्स को, मम्मी पापा, इधर उधर, जितना भी रिलेशनशिप के अंदर है आपके अंदर ही होना चाहिए। बहुत सारे डिवोर्स वगैरह यही होता है कि जाके दूसरे को बताते हैं, लवर्स में है तो अपना फ्रेंड्स को बताते हैं, और फ्रेंड्स बाद में फ्रेंड्स और इसका लवर हो जाए, लव बन जाता है, राइट। ऐसा बहुत सारे केसेस होता है, मैं हर बार नहीं होता हूं, लेकिन जनरली ये होता है कि जो भी रिलेशनशिप के बीच में ना, ज़्यादातर रखो। अगर बहुत ही टेंशन है, नहीं होगा कुछ, आसमान टूटने का, है ना, इस तरह का है, तो फिर आप समझा सकते हो, बट मेक श्योर आपका रिलेशनशिप दोनों आपके अंदर ही होना चाहिए, बाकी किसी को बताना नहीं चाहिए। सेकंड, एक दूसरे को हमेशा रहने के टाइम एक फील आना चाहिए, जब भी आप मिलेंगे वापस मिलना है, यू नो, वापस देखना है, एक ऐसा अर्ज होना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी, एक यू नो, वो प्यार हमेशा होना चाहिए, जितना बार भी आप मिलो वापस। ये नॉर्मली सब में होता है, लेकिन अगर नहीं है, जब भी मिलते हो, अरे बाप रे, कभी इसे छुटकारा पाऊँ, यू नो, इस तरह का फीलिंग है, तो रिलेशंस अच्छा नहीं है, ये कहीं पर भी आपको धोखा दे सकता है, राइट। एंड बहुत ही सेकेंड लास्ट पॉइंट, एइथ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दूसरे को कभी चेंज मत करने दीजिएगा। कोई एक दूसरे को चेंज करते ना, तो दैट कुड बी अ ग्रेट इशू। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन असली प्यार क्या होता है कि सामने वाले जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा और वैसे ही उनको प्यार करो। तो ये ऐसा आप एक दूसरे को ऐसा ले लेंगे कि जैसे जैसे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये रिलेशन बहुत आगे चलेगा। सबसे लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जब भी कुछ गुस्सा है, गलती सामने वाले ने कभी किया है, कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया, इसको सालों साल तक तो उसके अंदर रख के और उसको पिन पॉइंट करते 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 उसको परेशान करना, ये बहुत ही खराब हो सकता है, राइट। सो जो भी गुस्सा है, जो भी तकलीफ है, झगड़ा हुआ, गलत हुआ, तुरंत भूल जाओ,
सुबह हुआ दोपहर को भूल जाने का, दोपहर हुआ रात को भूल जाने का, राइट। इससे ज़्यादा उसको लेके चलेंगे और सोचते सोचते मैं इसको ऐसे करूँगी, वैसे करूँगा, इसको करूँगा, ये सब टेंशन वो अंदर रखते रखते रहते हैं, वो पॉइजन अंदर रख के कभी अच्छा खाना बनता नहीं है, राइट। वो एकदम जहर हो जाएगा। तो आपको वो सब भूल जाना चाहिए। अगर ये सब नौ चीज़ें आप करते हो, लव बेकास जकास हो जाएगा, राइट। थैंक यू।